जनपद में जिला अस्पताल सहित 72 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया गया, जिसमें मंगलवार को 8,023 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 6,959 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,064 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि 2 बूथ अभिभावक स्पेशल और 2 महिला स्पेशल बूथ के अलावा नगर निगम में 1 बूथ स्ट्रीट वेंडर, रेवड़ी, खोमचा, ठेला वालों के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। 18 साल से 45 वर्ष के बीच के लोगों के लिए अलग और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। विभाग अपने लक्ष्य के करीब वैक्सीनेशन करने में कामयाब हो गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सेकंड के लिए नहीं दिक्कत है, फर्स्ट डोज के लिए प्रॉब्लम है। आपका शो कर रहा है यहाँ पे, देखिए एक बार अप्लाई करिए। आज जनपद में 72 जगहों पर टीकाकरण हो रहा है, उसमें हमारे 2 बूथ अभिभावक स्पेशल चल रहे हैं, 2 बूथ महिला स्पेशल चल रहा है और नगर निगम में हमारा बूथ चल रहा है, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स, रेवड़ी बेचने वाले, इस तरह से सभी लोग, उन सबका लगातार हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है। 18 से 45 साल के बीच का वैक्सीनेशन सेंटर जो है हमारा नगर निगम में चल रहा है, कल से प्रारंभ हुआ था, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग आए थे वैक्सीनेशन कराने। कल हमने जो है 12,500 का वैक्सीनेशन किया था और आज भी हमारा, बारिश के बावजूद भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो हम अपने लक्ष्य के करीब हैं और वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो रहा है।